सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ आज। एक्चुअली मैं स्टार्ट ऑलमोस्ट डेली करती हूँ, बट यू नो एंड अप नहीं हो पाता है। तो मैं भी सोचती हूँ यार, एवी वेवी क्यों ब्लॉग बनाना, आप लोगों को क्यों इरिटेट करना, आप लोगों को क्यों पकाना। सो यू नो आई शुड हैव समथिंग गुड सो दैट आई कैन शो यू गाइज, राइट। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ गुड तो नहीं है, बट बहुत दिन हो चुका है तो चलो आज एक ब्लॉग बना लिया जाए आप सबके लिए, ताकि आप लोगों को भी लगे हाँ अभी मैं जिंदा हूँ। जस्ट किडिंग गाइज, ताकि आप लोगों को लगे मैं एक्टिव हूँ, राइट। और वैसे आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह रही हूँ, तो आप लोग एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा टारगेट प्रेशर है मेरे ऊपर, मतलब काम का, सिंस इट्स मार्च तो यू नो फिनेंशियल ईयर वगैरह का थोड़ा सा ऑफिस का प्रेशर है, तो इसीलिए मैं अभी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, बट या वेरी सुन मैं अपना टारगेट वगैरह अचीव करने के बाद करने वाली हूँ, फिर से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ गाइस। तो आप लोग जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो, सेम एज माई चैनल नेम अंबिका व्लॉग्स। और आजकल मेरी आशु भी बड़ी हो चुकी है, मतलब वो अब यू नो उलट पलट इधर उधर पूरा बेड पे बोलना, बात करना, बैठना, सारा चीज़ उसका स्टार्ट हो चुका है। मैं दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल वो क्या कर रही है। ये देखो फिलहाल वो अपना अंगूठा क्या कर रहा है गोलू, और मैंने उसका हेयर स्टाइल भी आज बना दिया। ये ऐसे ये खुद से उलटती है, वो सीधा भी खुद से ही होगी, शी शुड डू एवरीथिंग बाय हर ओन, राइट। तो अभी वो उसको किसी का हेल्प नहीं चाहिए होता है, वो खुद से उलटेगी, अगर नहीं उलट पाएगी तो ऐसे करते करते वो सो जाएगी। बहुत ही क्यूट प्यारी सी एंजल है ये मेरी, आशु आशलू रहने दे, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एंड घर पे आज मटन बना है, दैट्स अ स्पेशल थिंग, नॉट स्पेशल, ये तो बहुत ही कॉमन है, मेरे घर में बनते रहता है नॉनवेज, बट ये आज मटन बना है और हम लोग अभी खाने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद खाएंगे क्योंकि अभी लंच का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। लंच हम लोगों ने लाइट वाइट कर लिया है थोड़ा बहुत, और अभी यू नो अभी और खाने का मन नहीं है, तो इसीलिए वी थिंक वी थॉट क्या चलो ये यू नो 6-7 o'clock को खा लेंगे, सो दैट इट विल बी आर लंच एंड डिनर बोथ, तो इसीलिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। और अभी से भी मैं मिलाती हूँ बहुत दिन बाद, वो भी मेरे व्लॉग में आएगा, अभी वो फिलहाल नहा रहा है, उसका नहाने का टाइम बहुत ही अल्टर होता है, अभी वो होली खेल के आया है। बाय द वे गाइस, होली का यू नो वाइब स्टार्ट हो चुका है देवघर में, आप लोग के यहाँ स्टार्ट हुआ ना नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बोलो से समथिंग आशु, देखो देखो इसका एक्सरसाइज, सी समथिंग, अबा बा 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 पा 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 मा 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 मा, दिस इज द हेयर स्टाइल डन माय मम्मा, है ना बेटा, यू लाइक्ड इट, यू लाइक्ड इट आशु, आशु आशु मामा लव्स यू अ लॉट बिटू। देखो इसका नॉटीनेस, ये रामदेव बाबा का एक क्या बोलते यार, योगा करते रहती है हमेशा, शीश चुटकू रामदेव बाबा है ना, ओए चुतू, देखो 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 देखो, ऐसा कोई कर सकता है क्या, ऐसा योगा कोई कर सकता है क्या। मेरे चुटकू मेरे पुटकू 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 रो बेटा, हमेशा लीक करना होता है इसको हर एक चीज को, डर्टी गर्ल, चू, गॉड ब्लेस यू, ओह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये देखो आ चुके है आ चुके पापा, आ चु उमा दे दो। एक्चुअली उसको भूखू भूखू लग गया, इसीलिए रो रही है। आई 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 आशलू बोलो भाग पप, बोलो भाग पप, डायरेक्ट बोलो भाग बेटा, बोलो बोलो तुम, बोलो भाग 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 भाग। चलो मैं आशलू के लिए कुछ लेके आती हूँ खाने का। तो ये रहा आशु का फूड विच इज रोटी एंड दूध, मैंने अच्छे से प्रॉपरली ग्राइंड कर दिया, उसका पोजीशन देखो फिर से सेम। तनुज मामा के साथ बहुत खेलती है आशु तो, बहुत ही ज़्यादा। चलो मैं ऐसे खिला देती हूँ पहले, देखो दोनों मस्त से सो गया है, अब हम लोग चलते हैं छत पे। ये देखो इधर ढेर सारा आलू का चिप्स मम्मी ने बनाया है आज, मतलब कल ही बनाया था, आज बस सूखने के लिए डाले थे।
और इधर भी एक चिप्स जो कि सूखने के लिए डाला गया है, ये देखो। और इधर प्यारा सा व्यू आ रहा है सनसेट का। यार ये हॉर्न यहाँ पे आने के बाद पता नहीं मतलब इतना ज्यादा हॉर्न ये लोग बजाते हैं। प्यारा सा व्यू ऑफ सनसेट। तो आ गए मैं वापस छत से और अभी तक ये दोनों मस्त सो रहे हैं, ये देखो। चलो मैं भी थोड़ी देर तक लेट जाती हूँ, नो वर्क टू डू, सारा काम हो चुका है। चलो मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर तक। देखो ये छुटकू उठ चुका है एंड छुटकू को छड़ी भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं छुटकू, सो जाओ, फिर से सो जाओ। लुक एट अ क्यूट एक्सप्रेशन। अभी ये पोटी कर रही है, पोटी करते टाइम ही इसका एक्सप्रेशन होता है, ये देखो। अच्छू और आशु के पापा अभी तक भी सो रहे हैं। आशु दो, दो। ओ अच्छू जल्दी चाबी, चाबी। अभी वो पोटी कर रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो। करने दो, करने दो, डोंट डिस्टर्ब मी मामू, डोंट डिस्टर्ब मी। और इधर अभी हम लोग बैठे दुकान पे, चल रहा है अपना लस्सी पार्टी। एक्चुअली मटन खाने के बाद बहुत ज्यादा इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता, पता नहीं क्यों। विकी का चल रहा है हाजमोला पार्टी, अपना लस्सी पार्टी, और इधर आशु और छोटू बैठा हुआ है। बहुत ही रेड रेड दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ट्यूबलाइट, रेड वाला ट्यूबलाइट। बहुत ही अच्छा यहाँ का लाइट, ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रिक का दुकान है, लाइट तो होना पड़ेगा। खत्म हो चुका है। वैसे अच्छा है इसका टेस्ट, अमूल का लस्सी। ये देखो देखो आशु को, ये भी बहुत ही। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा घर का क्लीनिंग चला है। मम्मी एक एक करके सारा रूम क्लीन कर रही है। ये लास्ट रूम था हमारा, पहले ही हो चुका था और दो रूम। और इधर आशु भी खेल रही है, इसे मैंने फ्रंट रूम में सुला दिया है। बहुत ज़्यादा ये कपड़ा कपड़ा है। ये देखो मम्मी का ट्रेनिंग। देखो 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 कितना इसको। और उधर देखो पूरा साइजिंग वगैरह भी हो गया। अभी छोटू थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने में लगा हुआ है, बस अब ये हो जाए। रात के बज चुके हैं 10 o'clock, उसके बाद फिर हम लोग ऐसे चाय पियेंगे क्या मम्मी? अभी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद चाय नहीं, फिर सब सो जाएंगे। हाय आशु, आशु भी जगी रहती है रात में। कॉफी शो मी योर माउथ, सो मी योर फेस, आई मीन नॉट माउथ। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना ही भूल गई, वेट मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली मम्मी क्लीनिंग व्लीनिंग कर रही है घर का, भी सारा विंटर का सामान वामान रख रही है ट्रंक वगैरह खोल के। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा चीज मिला है, टेंटेड है, लुक एट दिस। ये मेरी मम्मी का शादी का साड़ी है यार, आई एम जस्ट लविंग इट। और मैंने बोला चलो मैं इसे रील्स बनाऊंगी, मतलब मैंने इसे बाहर में ही रख लिया ताकि मैं इसे रील्स बनाऊँ। बहुत ही प्यारा साड़ी है ये। वैसे आप लोग इंस्टाग्राम में देख ही सकते हो, मैं बनाने वाली हूँ एक दो दिन में रील्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि मम्मी के शादी का साड़ी को मैं यूज़ करके रील्स बनाऊँगी। चलो मम्मी का शादी का साड़ी है ये। ये देखो बंदर का, ऐसे कौन करता है गुल्लू। चलो इसे अभी मैं रख देती हूँ अच्छे से, और मुझे थोड़ा बहुत अभी काम है करने को, वो मैं कर लेती हूँ फिलहाल। आई डोंट नो यार, मैंने जस्ट नाउ अपना क्लिप खोला और किधर रख दिया। ओह इट्स हियर, ये देखो। अभी मुझे बाबू के लिए मिल्क वगैरह प्रिपेयर करना है, उसका बॉटल वगैरह वॉश करना है। तो चलिए पहले मैं वो सब कर देती हूँ। पानी इधर गर्म हो चुका है, पानी यार ओवर गर्म हो गया इसलिए खुल नहीं रहा है, वेपर जम गया है। चलो पहले मैं वो सब काम कर लेती हूँ, बिकॉज 10:30 हो चुका है ऑलरेडी। तो बस इधर देखो पूरा घर हो चुका है ऑर्गेनाइज,
इधर उधर 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 सारा चीज़ हो चुका है ऑर्गेनाइज, और अब टाइम हो चुका है सोने का भी, बिकॉज टाइम इज़ ऑलरेडी 11 o'clock, रात के 11 बज चुके हैं। इतना जल्दी जल्दी आजकल टाइम निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है। ये क्लोज कर दिया मैंने, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड, देन बाय गाइस, हर हर महादेव।